उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण नगर के अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है। इन सब चीजों को अनदेखा करते हुए प्रशासन द्वारा भविष्य में पर्यटन को लेकर कई निर्माण के प्लान हैं, पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ बलिया नाला दरक रहा है और शहर के अंदर की चोटियों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, साथ ही झील से लगी ठंडी सड़क में आए दिन भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है, तो ऐसे में नैनीताल और इसके आसपास इतना भारी निर्माण कैसे संभव है। प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत बताते हैं कि नैनीताल बेहद संवेदनशील है। देखो, नैनीताल जो है वो अत्यधिक संवेदनशील इलाका है और अंग्रेज लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने नैनीताल को 3 जोन्स में बांटा था। सेफ जोन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। फिर उन्होंने क्या था, अनसेफ जोन, अनसेफ जोन जहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। और तीसरा जोन जो था वो था डेंजरस जोन। डेंजरस जोन का मतलब ये था कि आप अपने रिस्क पे वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। सेफ जोन जो था अंग्रेजों के समय में और आज़ादी के बाद भी, जब तक आप ये कह सकते हैं कि नगर पालिका में अच्छे चेयरमैन जैसे जसौत सिंह बिष्ट जी, राय बहादुर मनोहर लाल शाह जी जैसे चेयरमैन रहे, तो नैनीताल था बड़ा सुरक्षित रहा। कि सरकार ने 2006 में ही चीज जाना चाहिए, क्योंकि 2006 में जो हमारा ATI है, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IAS और PCS ऑफिसर्स के लिए, उन लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला की थी, राष्ट्रीय सेमिनार की थी, और उस सेमिनार में ये कहा गया था कि नैनीताल की भार वाहन क्षमता जो है वो समाप्त हो चुकी है, द कैरिंग कैपेसिटी इज ओवर एंड नो फर्दर कंस्ट्रक्शंस शुड बी परमिटेड इन नैनीताल। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, निर्माण अभी भी चल रहा है, और दुख की बात यह है कि अवैध निर्माण जो है वो ज़्यादा चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो नाले हैं, जो हमारे धारे थे, उन धारों और नालों के ऊपर भी निर्माण होने लगा है, और ये वो नाले हैं जिनको नैनीताल की लाइफ लाइन माना जाता है। फिर बलिया नाला की स्थिति आप जानते हैं, बलिया घाटी की स्थिति आप जानते हैं, बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है, कभी भी वो क्षेत्र जा सकता है। और इसी तरह से स्थिति आपके डॉरथी सीट में भी होगी। डॉरथी सीट में तो अभी बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन आया, और अब लोगों का मानना है कि वो क्षेत्र जो है वो कभी भी सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि बलिया नाला, जिस पर पूरा नैनीताल का अस्तित्व है, बलिया नाला डूब रहा है, धंस रहा है, लेकिन ठीक बलिया नाले के बगल में एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अवैध है। क्योंकि बलिया नाले के बगल में जिस क्षेत्र पर यह रोपवे बनाया जा रहा है, उसे कहते हैं हनुमान वाटिका, और इस हनुमान वाटिका के लिए हाईकोर्ट का निर्णय है कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। अभी लोगों का ध्यान निहाल वाटरशेड में नहीं गया है। बलिया नाला तो एक तरफ हो गया, एक वाटरशेड है, उसके बाद हनुमानगढ़ का वाटिका आती है, और उसके बाद जो है आपके आता है निहाल वाटरशेड। निहाल नदी जो है वो गवर्नमेंट हाउस के नीचे से उसका उद्गम स्थल है, वो क्षेत्र भी धंस रहा है, और उस क्षेत्र में भी आप देखें बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन आने लगे हैं। टूरिज्म जो है वो नियंत्रित करना होगा, जो पार्किंग का लोग हल्ला कर रहे हैं और अंधाधुंध पार्किंग बना रहे हैं, और ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि पार्किंग की अब आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आवश्यकता है कि जब टूरिस्ट ज़्यादा है तो उन्हें हल्द्वानी में ही रोक दिया जाए। नाला जो है वो खुद धंस रहा है। बलिया नाला की स्थिति, आपको आश्चर्य होगा, 1995 में जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, रिट पिटिशन नंबर 694 ऑफ 1993 डिसाइडेड इन 1995, तो उस रिट में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि बलिया नाला धंस रहा है, बलिया नाले में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया जाना चाहिए, एंड बलिया नाला शुड बी रिपेयर्ड ऑन अ वॉर फुटिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर ये कोयला टाल का ये बन रहा है, जो कि गलत है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।